ताला कमान ने आखिरी वक्त में राजा वीरभद्र सिंह पर अपना विश्वास जताया और वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लाज रख ली, ये कहना अब गलत नहीं होगा। वीरभद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया आपका। वीरभद्र सिंह जी सबसे पहले ये कहेंगे कि बीजेपी की हार की वजह क्या रही? उनकी हार नहीं है, उनका कुशासन। वास्तव में जो शुरुआत उन्होंने चाहे जैसे भी की हो, मगर धीरे धीरे उनका जो शासन है वो कुशासन में बदल गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट राजनीति के मिलकर उन्होंने मिलकर प्रदेश को लूटा। आप अपने दावेदारी पेश कर चुके हैं हालाकमान के आगे? यह हाईकमान ने देखना है। मैंने अपना काम पूरा किया जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, और आगे की जिम्मेवारी मेरे को सौंपना चाहेंगे, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे? मैंने लगाए थे ना, उनकी इंक्वायरी करूंगा। आज सारे में कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया भाजपा की वजह से। सब पहला काम है कि बड़ा झाड़ू देकर मैं सफाई करूंगा।